दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण हमारे जो स्कूटर का इंजन है वो ओवरहीट होता है। तो यदि आप इन रीजंस के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर से इस वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला रीजन है वो है डर्टी इंजन ऑयल या ओवर यूज्ड इंजन ऑयल। तो जब भी आप अपने इंजन ऑयल को उसके रन टाइम से भी ज़्यादा चला लेते हैं तो जो इंजन ऑयल है वो अपने लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज अपने हीट डिसिपेशन की प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देता है। जैसे कि आप जानते हैं, जो इंजन का मेजोरिटी ऑफ हीट है वो आपका इंजन ऑयल कैरी करता है। यदि यही इंजन ऑयल जो है डर्टी होगा और ओवर यूज होगा तो ये क्या है, अपने हीट डिसिपेशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देता है और साथ ही साथ अपने लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को भी ओवर द टाइम लूज कर देता है, जिस कारण से आपके इंजन के जो पार्ट्स हैं उनका वियर एंड टीयर शुरू हो जाता है और साथ ही साथ आपका जो इंजन है वो भी ओवरहीट होना शुरू हो जाता है। तो ये था पहला रीजन जिनके कारण आपका इंजन जो है ओवरहीट होता है, जो कि है डर्टी इंजन ऑयल या ओवर यूज्ड इंजन ऑयल। नेक्स्ट जो रीजन है दोस्तों जिसके कारण हमारा इंजन ओवरहीट होता है वो है इम्प्रॉपर कार्बोरेटर ट्यूनिंग। यदि आपका जो कार्बोरेटर है दोस्तों वो इम्प्रॉपरली ट्यून है तो आपके जो इंजन में है वो जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जाएगा या तो लीन जाएगा या रिच जाएगा। लीन मिक्सचर कहने का मतलब है उसमें एयर की मात्रा ज़्यादा है एंड फ्यूल की मात्रा कम है। रिच मिक्सचर कहने का मतलब है फ्यूल की मात्रा ज़्यादा है और एयर की मात्रा कम है। तो यदि ऐसा होता है तो आपका जो कम्बशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिस कारण से आपका जो इंजन है वो ओवरहीट करेगा। तो मैंने इस कार्बोरेटर ट्यूनिंग के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं किस प्रकार से आप अपने कार्बोरेटर को प्रॉपरली ट्यून कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ओवरहीटिंग से बचना है तो ज़रूर से अपने कार्बोरेटर को प्रॉपरली ट्यून करवाएं। नेक्स्ट जो रीज़न है दोस्तों वो है इम्प्रॉपर वाल्व क्लियरेंस। दोस्तों, यदि आपका जो वाल्व क्लियरेंस है या जो टैपिट एडजस्टमेंट है वो इम्प्रॉपर होता है तो क्या होता है, जो वाल्व और टैपिट के बीच में क्लियरेंस होता है वो प्रॉपर नहीं रहता है, जिस कारण से जब टैपिट इस वाल्व पे स्ट्राइक करता है तो ये वाल्व जो है प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाता है या प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता है। तो जिस कारण से क्या होता है, जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो सिलेंडर के अंदर पहुंचना होता है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से जो कम्बशन होता है वो भी अनइवन होता है, तो इसलिए जो है आपका इंजन जो है वो ओवरहीट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप मेक श्योर करें जो आपका वाल्व क्लियरेंस है वो प्रॉपरली सेट होना चाहिए। तो बहुत सारे केसेस में यदि आपका वाल्व क्लियरेंस प्रॉपरली सेट नहीं होता है तो आपका जो स्कूटर या बाइक है वो लंबे सेल्फ लेने लगता है और साथ ही साथ बहुत सारे सीवियर केसेस में आपका जो इंजन है वो स्टार्ट ही नहीं होता है। तो ये था तीसरा रीजन जिसके कारण आपका जो इंजन है वो ओवरहीट होता है। चौथा जो रीजन है दोस्तों वो है डर्टी एयर फिल्टर या क्लॉग्ड एयर फिल्टर। दोस्तों, जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं उसी प्रकार से हमारा इंजन भी सांस लेता है और इस सांस के दौरान जो एयर ये लेता है इनटेक में उसको जो है फिल्टर करने का काम करता है ये एयर फिल्टर। तो ये जो माइक्रॉन्स में भी जो है यदि जो डर्ट के पार्टिकल्स होते हैं उनको भी ये रोक लेता है एयर फिल्टर, या बहुत यदि बहुत केसेस में यदि ये जो एयर फिल्टर है वो क्लॉग्ड हो जाता है किसी कारण के वजह से, यदि आपने एयर फिल्टर को टाइम से चेंज नहीं करवाया या क्लीन नहीं करवाया तो आपके इंजन के अंदर जो है एयर की मात्रा जो है प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती है, जिस कारण से फ्यूल तो प्रॉपरली पहुँच पाता है लेकिन एयर प्रॉपरली नहीं पहुँच पाता है, जिस कारण से क्या होता है इंजन को हमारे जो है एक रिच मिक्सचर मिलता है, जिस कारण से जब आप स्पार्क प्लग इस एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को इग्नाइट कराता है जो कि रिच मिक्सचर है तो प्रॉपरली जो है पावर आउटपुट डेवलप नहीं हो पाता है, जिस कारण से इंजन जो है वो ओवरहीट होना शुरू हो जाता है। ये था दोस्तों चौथा रीजन जो कि हमारा है एयर फिल्टर का क्लॉग्ड होना, जिसके कारण से हमारा इंजन जो है वो ओवरहीट होता है। नेक्स्ट जो रीजन है दोस्तों वो है डर्टी या डैमेज्ड एयर सक्शन वाल्व। दोस्तों, बहुत सारे केसेस में जो यदि हमारा एयर सक्शन वाल्व है वो डर्टी हो जाता है या डैमेज्ड हो जाता है किसी वजह से, तो ये जो एयर सक्शन वाल्व है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि एयर सक्शन वाल्व का काम होता है इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर लेके उसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड तक पहुँचाना। अब दोस्तों, एग्जॉस्ट के दौरान क्या होता है, जो हमारे एग्जॉस्ट से गैसेस निकलती हैं उसमें मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड में।
तो ये जो हमारा एयर इंडक्शन सिस्टम है, ये एयर सक्शन वाल्व है, ये क्या करता है, एनवायरनमेंट से फ्रेश एयर लेके उसको हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड तक पहुंचाता है, जहां ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए लेस हार्मफुल गैस है। तो इस प्रकार से ये जो एयर इंडक्शन सिस्टम है, ये एयर सक्शन वाल्व जो है वर्क करता है। अब किसी वजह से ये एयर सक्शन वाल्व जो है डैमेज हो जाता है, तो हमारा जो ये सक्शन का काम है ये प्रॉपरली नहीं कर पाता है, और प्रॉपरली हमारे जो है एयर को एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड तक नहीं पहुंचा पाता है, जिस कारण से हमारे इंजन जो है वो ओवरहीट होना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे सीवियर केसेस में जो हमारा इंजन है वो ड्रास्टिकली ओवरहीट होना जो है शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।